डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू शॉर्ट ऑफ्सेस क्लासेस। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ एक रिएक्शन मेकनिज्म जो है जूलिया ओलेफिनेशन। उससे पहले हम लोग उसके उस टाइम उस टॉपिक के ऊपर एक क्वेश्चन आया था सीएसआई नेट के एग्जामिनेशन में, तो उस नेट का क्वेश्चन को देख के हम लोग उसका सॉल्यूशन करते हैं। तो पहले हम लोग ये क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या है, उसके बाद हम लोग इसका डिस्कशन करेंगे। ये मैं अभी से आपको बोल रही हूँ कि ये जूलिया ओलेफिनेशन है, एग्जाम हॉल में आपको खुद ही ढूंढना पड़ेगा। तो जूलिया ओलेफिनेशन अगर आप लोगों ने देखा तो जूलिया ओलेफिनेशन में क्या होता है, जूलिया ओलेफिनेशन एक ओलेफिनेशन होता है फॉर फॉर्मेशन ऑफ ई एल्कीन। तो अगर इधर क्या होगा कि ई एल्कीन फॉर्मेशन के लिए जो भी ई एल्कीन है तो वो वाला फॉर्मेशन इधर होगा। तो और एक इम्पॉर्टेंट चीज इधर है कि आप लोग बोल सकते हो कि किस टाइप से मैकेनिज्म हो रहा है ना। पहले ही आप जो आपका ये वाला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो, तो ये वाला क्वेश्चन अगर मैंने पहले इसका मैंने पहले इस मैकेनिज्म का दे रही हूँ और उसके बाद मैं बाद में जाके मैं पहले एक नॉर्मल मैकेनिज्म इसका कैसे होगा दे रही हूँ, उसके बाद इसका आंसर क्या होगा वो मैं आपको जाके बताऊंगी। तो आप पहले एक बार क्वेश्चन को अच्छे से देख लो, वो क्वेश्चन आपको ज्यादा मिल ही जाएगा, लेकिन ये वाला सिर्फ ये वाला देखो कि क्वेश्चन आंसर जो आएगा उसको तो सॉल्यूशन मैं कर दूंगी। तो ठीक है, नेक्स्ट अभी हम लोग इसका आंसर देखते हैं कैसे आएगा। एक नॉर्मल जूलिया ओलेफिनेशन अगर हम लोग ले ले, नॉर्मल जूलिया ओलेफिनेशन एक्चुअली क्या है, उसमें सल्फोन रहेगा। सल्फोन क्या है, ये है हम लोग का सल्फोन, वहां पे R is double bond O attached, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं सल्फोन। अभी रिएक्शन में और क्या होता है, चार चीज होता है, और एक होता है एक बेस, नंबर थ्री होता है एक आपका कार्बोनिल कीटोन एल्डिहाइड, और नंबर फोर होता है आपका एसाइल क्लोराइड। ये चार किसी भी कंपाउंड में होगा तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये वाला जूलिया ओलेफिनेशन दे रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो भी हम आपका जूलिया ओलेफिनेशन है, जूलिया ओलेफिनेशन में ये वाला हमेशा रहेगा। तो ये अगर आपके सामने आ गया तो आप समझ लो कि आपके पास यहाँ पे जूलिया ओलेफिनेशन होने वाला है। तो ये आपका की पॉइंट है, इसको आपको देखना है। नेक्स्ट है बेस, बेस भी इधर है NH-MDS, ये एक बेस है। अभी कीटोन और एल्डिहाइड, कीटोन एल्डिहाइड, ये एल्डिहाइड आपके पास है, और आपका एसिटाल्डिहाइड और एसिटिक एनहाइड्राइड उस टाइप का जो भी अच्छा लिविंग ग्रुप टाइप का जो कंपाउंड है वो आपके पास रहेगा। लेकिन इधर ऐसे टाइप का कंपाउंड नहीं है, लेकिन इस टाइप में कुछ पॉसिबिलिटी है उसके अगर मैं देखती हूँ। और इसका जो प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट ई एल्कीन होता है, तो प्रोडक्ट क्या होगा, ई एल्कीन। ये हो गया इसका नॉर्मल ना। इसको मैकेनिज्म अगर हम लोग देखेंगे तो पहले हम लोग के पास है एक स्टेप का सल्फोन, इस डबल बॉन्ड ओ अटैच्ड, ओके। तो अभी इसमें हम लोगों ने बेस दिया, ये है हम लोग का सल्फोन, इस डबल बॉन्ड ओ अटैच्ड। अभी इसमें हम लोगों ने बेस दिया, बेस देने से क्या होगा, R नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये जो नेगेटिव चार्ज आएगा ये क्या करेगा, जो भी हम लोगों के पास कीटोन और एल्डिहाइड जो भी है वहां पे जाके अटैक करेगा,
एल्डिहाइड लिया और डबल लेस बस, तो इधर जाके अटैक करेगा क्या, तो क्या होगा जो फॉर्म होगा वो है इस डबल बॉन्ड ओ आर डैश ओ माइनस आर डबल डैश एच, ये वाला फॉर्म होगा। तो अभी क्या है हम लोगों के पास एक एसिड एनहाइड्राइड है एसी सीओ सीएल, अभी क्या करेगा ये जाके इधर अटैक कर देगा, क्या फॉर्म होगा यहाँ पे आपका ये ग्रुप है। नेक्स्ट अभी क्या होगा, नेक्स्ट इधर हम लोगों का तो अभी आपके पास ये फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट है हम लोगों का इधर सोडियम या पोटेशियम इस टाइप का कोई भी मेटल दिया हुआ रहता है, ये क्या करेगा ये एक इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर कर देगा। तो हम लोगों का स्ट्रक्चर क्या रहेगा, इतना तक मेकैनिज्म आपके समझ में आ गया। इतना तक मेकैनिज्म मतलब पहले बेस से अटैक हुआ, बेस पे जाके ये अटैक किया और ये जाके सीएल पे अटैक किया, तो सीएल बाहर निकल गया ओएसी फॉर्म हुआ। तो अभी क्या होगा, अभी जो फॉर्म होगा वो है डबल बॉन्ड ओ, तो इधर हो जाएगा हम लोगों का डॉट और ये हो जाएगा नेगेटिव और इसके साथ एक है आर, इधर है पीएच एच और ओएस वो। तो अभी क्या होगा, अभी नॉट पीएच इट्स आर डबल लेस्ट, आर डबल लेस्ट ये भी और डबल लेस। तो अभी क्या होगा, अभी जो आपका ग्रुप है वो क्या करेगा, इधर डॉट है तो फिर से जाके ये इधर अटैक कर देगा, तो इधर फिर से डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन के चांसेस हो जाएगा। तो ये वाला बॉन्ड नॉर्मली खुल जाएगा, मतलब इस साइड से ये वाला बॉन्ड खुल जाएगा। तो ये वाला बॉन्ड खुलने से क्या होगा, आर आर डबल लेस एच ओ एस सी, उसके बाद इधर एक डॉट, ये डॉट फॉर्म होगा। तो अभी मीडियम में जो भी सोडियम पोटेशियम जो भी है उससे और एक लेके ये क्या बन जाएगा, नेगेटिव। तो अभी हम लोगों के पास जो नेगेटिव चार्ज वाला जो कंपाउंड है वो क्या करेगा, वो इधर
अटैक कर देगा और OH बाहर निकल जाएगा। तो इसका अटैक इस टाइप से ही होगा कि जो भी ऑलिफिन फॉर्म होगा वो ऑलिफिन का ऑपोजिट साइड में होगा। तो इसी तरह से जो भी एल्कीन बनता है वो ट्रांस एल्कीन बनता है। तो ये तो हो गया नॉर्मल वाला जूलिया ऑलिफिनेशन। तो अभी अगर हम लोग कोई पूरा जूलिया ऑलिफिनेशन देखेंगे तो उसका स्टेप कैसे आता है? जो जूलिया ऑलिफिनेशन यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने पहले ही बोला आपके पास एसिड क्लोराइड एनहाइड्राइड इस टाइप का कुछ भी चीज नहीं है, तो हम लोग को देखना पड़ेगा कि वो जो काम ये कर रहा है वो कौन कर रहा है, वो देखना पड़ेगा। नाउ अब पहले ये वाला देखो, इन एच एम डी एस बेस है, बेस क्या करेगा फर्स्ट स्टेप में, इधर हो आपका नेगेटिव चार्ज, इस डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, इधर आपका ट्रिटाजोल रिंग, तो ये नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज आके क्या करेगा, उसका जो काम है वो जाके आपका जो सी डबल बॉन्ड एच, तो ये सी डबल बॉन्ड एच पे जाके अटैक करेगा जस्ट लाइक दिस। तो क्या होगा, क्या बनेगा, क्या बनेगा हम लोगों का स्ट्रक्चर, हम लोगों का स्ट्रक्चर बनेगा एक आ गया आपका सी इधर, उसके ऊपर तीनों बॉन्ड लगा हुआ, एक है एच, एच मैं नहीं ड्रॉ करूंगी, मैं सिर्फ ड्रॉ करूंगी, एक है O माइनस बन गया, एक होगा H और एक होगा आपका जो ग्रुप है, मतलब ये वाला, उसके बाद A1 2 2, इधर बाद में जाके आपको मिलेगा कार्बोनिल, और इधर 1, ये आपका बन गया। नेक्स्ट आपका बनेगा ये वाला हम लोगों का सी है ये, उसके बाद आपका ये बनेगा सी, उसके बाद एक कार्बन छोड़ के नेक्स्ट वाला जो कार्बन है उसमें ये बनेगा, और इस साइड में ये वाला बनेगा, और उस साइड में आपका जो टी एस वाला ग्रुप है वो। तो ये हो गया आपका फाइनल स्ट्रक्चर। तो अभी इस स्ट्रक्चर में क्या होगा, अभी देखो, अभी आपके पास उस टाइप का मैंने जो बोला एसिड क्लोराइड या फिर एसिडिक एनहाइड्राइड, उस टाइप का कुछ भी नहीं है आपके पास। एसिड क्लोराइड और एसिडिक एनहाइड्राइड नहीं है, मतलब कुछ और तो चीज होगा जो ये करेगा। आपको देखना पड़ेगा कि ये वाला इधर जा रहा है, इधर अटैक कर सकता है, एक पहले नेगेटिव आएगा, तो स्ट्रक्चर एक्चुअली क्या होगा,
स्ट्रक्चर आएगा, ऑक्सीजन ओएमई, उसके बाद आपका वही कार्बन, इसके साथ ये डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ रहेगा, डबल बॉन्ड के साथ एक हो जाएगा आपका O माइनस, और ये आपका हो जाएगा ये वाला, और जिसमें TES ग्रुप है, TES 1 2 TES 1 2 O TES, ये क्या करेगा, ये जाके फाइनल प्रोडक्ट, ये पहले इधर जाएगा, उसके बाद फिर से वापस उसी साइड से आएगा, तब ये वाला बॉन्ड जाके खुल जाएगा, बॉन्ड जाके खुल जाएगा तो इधर मैं लिख देती हूँ, बहुत स्मॉल स्पेस है इसलिए मैं इसको टेट्राहेड्रॉन लिख देती हूँ, और ऊपर आपका आएगा एस डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ। अभी क्या है कि अभी जो भी आपका स्ट्रक्चर है, अभी ये क्या करेगा, एस इसमें पूरा जो इलेक्ट्रॉन है वो देके निकल जाएगा, निकल जाएगा मतलब अभी इधर आएगा आपका नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज जाके इधर अटैक करेगा और ये वाला फॉर्म हो जाएगा। एक्चुअली इसका जो भी कॉन्फ़िगरेशन है, कॉन्फ़िगरेशन का मेकैनिज्म एक्चुअली में नहीं पता है, लेकिन जो भी मेकैनिज्म होता है उसमें आपका ट्रांस ग्रुप का फॉर्मेशन हमेशा होता है। इसमें आप जो भी स्ट्रक्चर देखोगे, कि अगर आपने आपका जो CSIR नेट वाला क्वेश्चन, या फिर मैंने फर्स्ट स्टेप में जो क्वेश्चन आता था वीडियो का, पहले स्टेप में जो क्वेश्चन था वहां पे क्या स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था, वो वहां पे जो सेकंड स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था वो वाला आएगा, क्योंकि जो स्ट्रक्चर में वही स्ट्रक्चर में इसका ये दोनों ग्रुप ऑपोजिट साइड में है, तो जो ग्रुप ऑपोजिट साइड में आएगा उसी स्ट्रक्चर को हम लोग बोल सकते हैं कि आपका फॉर्म स्ट्रक्चर होगा, जिसमें सीस आएगा वो स्ट्रक्चर हम लोग नहीं ले सकते। तो ये हो जाएगा जूलिया ओलिफिनेशन का एक बहुत अच्छा मेकानिज्म। यूजुअली आपको ये इस टाइप का स्ट्रक्चर देख के आप यूजुअली, मैं भी जब प्रिपरेशन ले रही थी मैं भी डर जाती थी, लेकिन यूजुअली ये स्ट्रक्चर्स मतलब इजी स्ट्रक्चर होता है, लेकिन थोड़ा बहुत डिफिकल्टी दिखाता है, इसीलिए आपको मतलब ऐसे ज़्यादा स्टूडेंट्स सोचता है कि स्ट्रक्चर को हम लोग ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि कोई भी स्ट्रक्चर आए आपको उसका जो रिएजेंट है वो उसको अच्छे से देखो, और ये जूलिया स्ट्रक्चर जूलिया ओलिफिनेशन का रिएक्शन मेकैनिज्म, इसी दौरान आपको कुछ और प्रॉब्लम, कोई और डाउट इसमें आपको क्लियर नहीं हो रहा है, कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग जो वीडियोज है उसके कॉमेंट बॉक्स में जाकर हम लोग को पूछ सकते हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।